थ्योरम 9.2 देखते हैं। इफ़ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल भी ले लेते हैं। ये एक कोई ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ये, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया ये बी सी डी और इसका नाम रख दिया हमने ई, ठीक है। इन दोनों, इस पैरेललोग्राम और इस ए बी सी ट्राइंगल का बेस सेम है बी सी। गिवन क्या है हमें, ट्राइंगल ए बी सी एंड पैरेललोग्राम बी सी डी ई आर लाई ऑन सेम बेस, बेस का नाम क्या है बी सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन से हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है। तो बी सी किसके पैरेलल है, ए डी के, बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, प्रूफ करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया किसका, एरिया इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ठीक है, बी सी पर कुछ डी एम, डी एम क्या है, परपेंडिकुलर, कौन सी वाली लाइन पर, बी सी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। एंड एक और परपेंडिकुलर बना लो इधर, ये यहाँ पर, यहाँ ए एल, ए एल किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के, ठीक है। तो ये ए एल भी परपेंडिकुलर है बी सी के, और ये डी एम जो है ये भी मैंने इस बी सी पर परपेंडिकुलर बनाया है और इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ प्रूफ, प्रूफ आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि ए एल किसके इक्वल होगा, ए एल इक्वल होगा डी एम के, क्यों होगा, क्योंकि ए डी किसके पैरेलल है बी सी के, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या बन रहा होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम ही बन रहा होगा, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि ये जो ए एल परपेंडिकुलर और डी एम परपेंडिकुलर गिराया गया है ये आपस में इक्वल होंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, ठीक है। अच्छा ओके, अब इसके बाद हम एरिया निकालते हैं ए बी सी का। ए बी सी का एरिया आप कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोलूँ मैं आपको तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे ए हाफ बेस इंटू हाइट ए एल, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट ऐसे निकालोगे। बट वन अपॉन टू बी सी ए एल, ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए एल को हम डी एम लिख सकते हैं, ए एल और डी एम आपस में कैसे हैं, इक्वल, तो ए एल की जगह हम क्या लिख देंगे, डी एम लिख देंगे। ओके, यहाँ तक बात ठीक है। ये भी ए बी सी का एरिया है, ये भी ए बी सी का एरिया है, तो वो आगे बी सी इंटू डी एम। अगर आपसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे निकालते हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट,
तो अगर इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालने के लिए बोलें तो बेस क्या है बी सी और इस पर हाइट क्या है डी एम, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा बी सी इंटू डी एम। तो ये जो बी सी इंटू डी एम लिखा हुआ है ये क्या है एरिया है किसका पैरेललोग्राम का, कौन से पैरेललोग्राम का बी सी डी ई का, बी सी डी ई। ठीक है फिर से समझो, ये एक पैरेललोग्राम है ऐसा, इस पैरेललोग्राम में बी सी डी ई में, ठीक है बेस तो हमें पता है बी सी, लेकिन इस बेस पर ही हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लिया है यहाँ पर डी एम। ठीक है तो इस पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, बेस इनटू हाइट, बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है इस पर गिरी हुई डी एम। ठीक है तो ये एरिया किसका एरिया आ गया, तो ये एरिया आ गया बी सी डी ई का। तो अगर कहीं बी सी इंटू डी एम लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एरिया बी सी डी ई, और इधर क्या चल रहा था एरिया ए बी सी। ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया किसके हाफ होगा, इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा, कब जब ये दोनों कैसे हों सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है।